थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। ऐसे भी बता देता हूँ कि आज मैं कलर ग्रेडिंग करने वाला हूँ। ऐसे ट्यूटोरियल मेरे पास बहुत सारे चैनल पर चढ़ गए हैं, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल से हम जाते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं सिंपल से हम जिस फोटो को कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे डी ड्राइव के फ़ोटो में है, तो यहाँ पर मैं सिंपल से फ़ोटो वाला में जाता हूँ, यहाँ से मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। तो फ़ोटो मेरा कौन है, यहाँ पर फ़ोटो मेरा यहाँ पर ये है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सिंपल से फ़ोटो को। तो यहाँ पे ये मेरा फ़ोटो है, ये मेरा फ़ोटो ओपन हो गया था। अब इसको कलर ग्रेडिंग करना, तो इसको मैं यहाँ से भी कर सकता था, तो यहाँ से मैं ना कर करके और मैं सिंपल से जाता हूँ यहाँ पे फिल्टर में जाना, फिल्टर में जाना है, और फिल्टर में ओपन करने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर में जाना, कैमरा रॉ फिल्टर में जाना। तो सिंपल से हम जाते हैं कैमरा रॉ फिल्टर में। सिंपल से यहाँ से ये पॉपअप ओपन होगा, यहाँ से एक पॉपअप ओपन होने के बाद आपको सिंपल से कलर ग्रेडिंग करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिक में है, सिंपल से हम जाते हैं यहाँ पे, तो बेसिक में यहाँ पे क्लिक करते हैं, और बेसिक में क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाते हैं, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और इसको क्या करते हैं ना कि छोड़ देते हैं, एक्सपोजर के हल्का सा एकदम बढ़ा देते हैं क्योंकि ये ठीक लगे, और कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देते हैं जिससे कि वाइट मेरा कम हो जाए, और हाईलाइट को हल्का सा कम कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 47 कर ली हैं, और यहाँ पे प्लस 47 है, यहाँ पे माइनस 9 है। अब शैडो के हल्का सा कम कर लेते हैं जिससे कि मेरा सिनेमेटिक लुक दिखाई देवे। तो अब वाइट को हल्का सा कम कर देते हैं और ब्लैक को बढ़ा देते हैं जैसे कि मेरा फ़ोटो की क्वालिटी कुछ अच्छी हो जाए। तो दिखा देते हैं सिंपल से बेसिक में मेरा क्या क्या हुआ है, देख लो पहले का फ़ोटो और अब का फ़ोटो, ये अंतर है। अब तो इसको क्या करते हैं, टेक्सचर बढ़ा देते हैं, बहुत सा मेरा अथी है, तो यहाँ पे टेक्सचर के हम 22 कर लिए हैं, और इसको छोड़ देते हैं, और वाइब्रेशन को भी छोड़ देते हैं। अभी हम सिंपल से जाते हैं कर्व में, कर्व में जाने के बाद यहाँ से वाइट वाला सिलेक्ट है, तो यहाँ से वाइट वाला को हल्का सा बढ़ाते हैं, और यहाँ से ब्लैक वाला को हल्का सा कम कर देते हैं फ़ोटो के हिसाब से। यहाँ पर करने के बाद आपको फिर डिटेल्स में जाना, फिर डिटेल्स में जाने के बाद आपको शार्पनेस का हल्का सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 8 कर शार्पनेस का, और डिटेल्स का हल्का सा बढ़ा देते हैं 31 कर लिए, और रेडियस का हल्का सा बढ़ा देते हैं 1.1 कर लिए इसको। अब नॉइज रिडक्शन का हम कर लेते हैं 10 कर लेते हैं, यहाँ पे नॉइज रिडक्शन के 10 करना है। यहाँ पे स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हो। यहाँ पे कलर नॉइज को हम यहाँ पे हल्का सा बढ़ा देते हैं जैसे कि मेरा को अच्छा दिखाई देवे, यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर से जाते हैं कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाते हैं, यहाँ पे जो खेला होगा तो अच्छी होगा। तो सिंपल से हम इस फोटो को क्या करते हैं, पहले फ़ोटो ऐसा था और अब ऐसा हुआ, अब यहाँ पे हम कलर करने वाले। तो सिंपल से हम सैचुरेशन में आते हैं, और हाई है और लूमिया से यहाँ पे ओला, तो मैं सैचुरेशन में आते हैं, हल्का रेड है यहाँ पे, तो रेड वाला को हल्का सा बढ़ाते हैं सैचुरेशन। अब क्या करना है ना कि अब यहाँ पर तो हो गया, अब इसको क्या करना है कि ग्रीन है हमको, तो ग्रीन वाले को क्या करते हैं कि हल्का सा ग्रीन वाले में सैचुरेशन को बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ब्लू है, तो ब्लू वाले को हल्का सा बढ़ा देते हैं। देखिए ब्लू वाले को बढ़ाने पर कैसा हो रहा, तो मैं सिंपल से ब्लू वाले को बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर सैचुरेशन में सब कर रहे हैं, तो एक्वास की भी हल्का सा बढ़ा देता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्वास हल्का सा बढ़ा देते हैं। और अब इसको क्या करते हैं ना कि मर्चेंट हल्का सा बढ़ा देते हैं, मर्चेंट करें सॉरी, यहाँ पे मर्जेंट्स, तो मर्जेंट्स का हल्का सा बढ़ाते हैं जैसे कि सिनेमेटिक लुक दिखाई दे। अब यहाँ पे तो हो गया इसको, अब इसका ऑरेंज है तो ऑरेंज वाला को हल्का सा सैचुरेशन बढ़ा देते हैं जैसे कि चेहरा के लाइट, यहाँ पे देखो चेहरा के लाइट नहीं है, तो चेहरा के लाइट हल्का सा ला देते हैं हल्का सा, और यहाँ पर चेहरा के लाइट आ गया। अब यहाँ पर हेयू में आते हैं, हेयू में आने के बाद आपको देखना है कि कितना हेयू में ग्रीन बढ़ाना है घटाना है, बढ़ाना घटाना आपको मर्जी की बात है। तो मैं यहाँ से ग्रीन हल्का सा ले लेता हूँ येलो टोन पर, और ब्लू का है तो ब्लू को अपने हिसाब से लेना कि मेरा कैसा ठीक लग रहा है, आपको जैसा ठीक लगेगा आपको वैसे कर लेना। तो मैं हमको यहाँ पे ऐसा ही ठीक लग रहा है। अब इसको क्या कर रहे हैं ना कि पर्पल को हल्का सा यहाँ पे हम छोड़ दे रहे हैं, छोड़ ही दे रहे हैं, ऐसे हेयर वाला कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, अब रेड वाला होएंगे ऑरेंज वाला को हल्का सा आप देख के हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे तो कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी तरह से हो गया हमको, देख लीजिए हम जूम करके दिखा देते हैं। देखिए अब पहले और अब में अंतर दिखाता हूँ,
पहले ऐसा था अब ऐसा हुआ, पहले ऐसा था अब ऐसा हुआ। तो चलिए अब यहाँ पे तो हो गया इसका काम। अब यहाँ पे अब क्या करते हैं ना कि इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे डन कर देते हैं, और सॉरी डन नहीं करते, यहाँ पे कलर ग्रेडिंग में छोड़ देते हैं इसको। कलर ग्रेडिंग बाद में बताएंगे, एक बेसिक टॉपिक पर हम लेकर आएंगे आगे वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहना, वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन चल जाएगा। अब ऑप्टिक्स में हम जाते हैं, तो ज्योमेट्री ऑप्टिक्स इफेक्ट को ये भी बताएंगे, ठीक ना, कि आपको कैसे कैसे करना है। तो इसको सिंपल से छोड़ते हैं। और हाँ, बिजनेटिंग है ना, बिजनेटिंग, तो इसको हम क्या करते हैं ना कि देखो ब्लैक और वाइट को साइड से आपको सिनेमेटिक लुक देगा। तो हम हल्का सा ब्लैक को हल्का सा लेते हैं, जैसे कि ये देखने में हल्का सा अच्छा लगे। और क्या करते हैं, नीचे आते हैं और इसको कॉलिब्रेशन है ना, इसको 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 भी हम बाद में बताएंगे डिटेल्स में, सबके एक हम टॉपिक पर लेकर आएंगे। सिंपल से हम इसको ओके कर देते हैं। कलर ग्रेडिंग सिर्फ हम करना सिखा रहे थे कि आप कैसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो फिल्टर रो में। तो यहाँ पे तो ये हो गया, देखिए सॉरी यहाँ पे पेंट हो गया मेरा। तो देखिए यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा। आज के वीडियो यहीं तक, मैं सिंपल से हम कलर ग्रेडिंग पर लेके आए हुए थे। तो आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं।